वायरल करने का मामला सामने आया। आपको बता दें कि इसमें कार्रवाई करते हुए पुलिस ने बुधवार को चौथे आरोपी को भी पटना से गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान मोहनिया निवासी सोनू शहनवास के रूप में हुई है। इस मामले में पुलिस ने पिछले 48 घंटे में नामजद 3 अन्य आरोपी अरबाज उर्फ दरोगा उर्फ आयान, सोनू उर्फ कलामू और सिकंदर को अलग अलग जगहों से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है, जिनके पास से रोहतास के डेहरी से सोनू शहनवाज साथी घटना में प्रयुक्त की गई स्विफ्ट डिजायर गाड़ी भी पुलिस ने बरामद कर ली है। इधर इस घटना के विरोध में असामाजिक तत्वों ने जमकर उत्पात मचाया है और आगजनी के साथ साथ गोलीबारी की घटनाओं को भी अंजाम दिया है। प्रयास के जबकि सारी कार्रवाई प्रशासन के द्वारा कर दी गई थी, हम लोग चार्जशीट भी कर दिए, सारी गिरफ्तारियां हो चुकी थी, उसके बावजूद कुछ लोग इस मामले को तूल देने का प्रयास किए, दोनों तरफ से पत्थरबाजी हुई। सब समय हम और डीएम साहब बीच में जाकर के इस तरह से मामले को संयमित किए और जो गर्मी तथ्य उन पर कंट्रोल किए। एक दर्जन दोनों तरफ के एक दर्जन से अधिक लोगों की गिरफ्तारी हुई, बाकी जो भी लोग चिन्हित करके सब पर कार्रवाई हुई। उनके पास से कुछ बरामदगी भी है सर? कुछ है जो हम लोग अभी मतलब अभी छापामारी चल रही है, फिर बाद में। सुरक्षा के लिहाज से कितने फोर्सों की तैनाती की गई है? पर्याप्त मात्रा में बल की प्रतिनियुक्ति है। बल की प्रतिनियुक्ति के कारण ही जो मनसा थे अपराधियों की या उपद्रवियों की वो सफल नहीं हो पाई। आम लोगों से क्या अपील आप करना चाहते हैं? आम संयमित रहे और प्रशासन का साथ दे और दे भी रहे। जो भी उपद्रवी तत्व थे दोनों तरफ से गिरफ्तारियाँ हुई हैं, एक दर्जन से अधिक लोग गिरफ्तारियाँ हुई हैं और जो लोग बीच में शामिल थे सभी का वीडियो फुटेज है मेरे पास। वीडियो फुटेज को देखते हुए एक एक व्यक्ति को चिन्हित करते हुए कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मैं आम लोगों से अपील करता हूँ कि किसी के बहकावे में नहीं जाएँ एवं आम लोगों में से मैं मैक्सिमम को धन्यवाद देता हूँ कि वो लोग किसी के बहकावे में आए भी नहीं और वो लोग शांति बनाए रखे, उसके लिए उनको धन्यवाद देता हूँ। और जो उपद्रवी तत्व हैं मैं फिर से अनुरोध करता हूँ कि किसी भी तरह का उत्पात नहीं मचाएं, किसी भी तरह का गलत मैसेज समाज में नहीं फैलाएं, अफवाह नहीं फैलाएं, उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। और इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता पीयूष हमारे साथ जुड़ गए हैं। पीयूष, चौथे आरोपी को भी पटना से गिरफ्तार कर लिया गया है, बावजूद इसके लगातार हंगामा हो रहा है। जी कंचन, मैं आपको बता दूं, कैमूर में 2-3 दिन पहले जो वायरल मामला हुआ था जिसको ग्रामीणों द्वारा तुल पकड़ते जा रहा है, उसी को देखते हुए मोहनिया में आज उपद्रवी फायरिंग के साथ साथ पुलिस पर भी पथराव किया गया। असामाजिक तत्व था जिसमें कुछ पुलिसकर्मी घायल हो गए जिनकी इलाज के लिए यहाँ से रेफर भी कर दिया गया, जिसमें फायरिंग भी हुई। फायरिंग में 2 लोगों की गोली लगी है, गोली के बाद वो स्थिति उनकी खतरे से बाहर बताया जाता है। पुलिस द्वारा लगातार कैंप करके कैमूर रोहतास बक्सर के SP द्वारा कैंप किया जा रहा है, लगातार लोगों की शांति माहौल बनाने के लिए अपील किया जा रहा है, लेकिन उसके बाद भी कुछ शरारती तत्व द्वारा मानने को कतई तैयार नहीं है। उन लोगों को साफ कहना है कि जो भी दुष्कर्मियों थे उनकी फांसी की सजा दिया जाए, लेकिन कैमूर प्रशासन लगातार लोगों द्वारा कहा जा रहा है कि मैंने चार्जशीट कर दिया, एफएसएल की रिपोर्ट आ जाएगा, रिपोर्ट भी सौंप दिया जाएगा और हम लोग फांसी देने के लिए लगातार ये मामला, क्योंकि हम लोग से कट करके न्यायालय को सौंप दिया गया है, न्यायालय में जाने के बाद भी हम लगातार कार्रवाई करने में सक्षम है और ग्रामीण का भी सहयोग अच्छे तरफ से मिल रहा है, लेकिन कुछ असामाजिक तत्व के इंसान है जो कि कतई मानने को तैयार नहीं है। उन्हीं के द्वारा शरारती तत्व के द्वारा ही लगातार तोड़फोड़ अगजनी हंगामा के साथ साथ पुलिस बल पर पथराव की फायरिंग, जिस तरीके से हंगामा हुआ, जिस तरीके से ये पूरा मामला बढ़ा, आगजनी हुई, गोलीबारी भी यहाँ पर हुई, तो कहीं ना कहीं ये कहना गलत नहीं होगा कि इस पूरे हंगामे की जो वजह है यहाँ पर कहीं ना कहीं प्रशासन भी है, प्रशासन की लापरवाही भी है। जी अगर प्रशासन अगर मुस्तैद रहती, अगर वहाँ पर कैमूर जिले में भारी मात्रा में फोर्स रहता, फोर्स को चारों तरफ डिप्यूट कर दिया था, तो ना तो फायरिंग होती और ना कहीं से भी उपद्रवियों का मनोबल ऊंचा होता। यहाँ पर साफ दिख रहा है कहीं ना कहीं प्रशासन की थोड़ी सी ढिलवाही दिखी, जिसको असामाजिक तत्व के इंसान का मनोबल बढ़ा और तोड़फोड़ फायरिंग के साथ साथ कुछ लोगों का घर जलाना, आगजनी करना, इसके बाद फायरिंग करना, 2 लोगों की गोली लगना, इसमें कहीं ना कहीं थोड़ी सी प्रशासन की लापरवाही जरूर दिख रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया पीयूष हमारे साथ जुड़ने के लिए।